मैगी मसाले को आप आलू में डालो या भिंडी में डालो या चाहे किसी भी सब्जी में डालो, ये इसके स्वाद को बहुत ही टेस्टी बना देता है। दोस्तों, आजकल नाश्ते के नाम पर ज़्यादातर लोग मैगी ही खाना पसंद करते हैं, खासकर मैगी टीनएजर्स जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स होते हैं, मैगी उनका फेवरेट ब्रेकफास्ट होता है। और इसका सिर्फ दो ही रीज़न है। पहला, मैगी बनने में बहुत ही कम समय लेता है, हालांकि कंपनी 2 मिनट के नाम पर इसे बेचती है, पर ऐसा पॉसिबल तो नहीं है। आप चाहें तो कमेंट में बता सकते हैं कि आपने मैगी को कितने समय में बनाया है। और दूसरी सबसे बड़ी और ख़ास वजह है मैगी का स्वाद। इसका टेस्ट इतना लाजवाब होता है कि हर कोई मैगी के मैजिक मसाला का दीवाना हो जाता है। और अंत में यही सवाल आता है कि ऐसा क्या डाला जाता है इस मसाले में जो इसके स्वाद को अलग ही लेवल का बना देती है। तो आज की ये वीडियो इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाली है कि फैक्ट्री में ये मैगी मसाला बनता कैसे है, इसमें क्या क्या डाला जाता है। और मैं गारंटी देता हूँ, जो लोग इस वीडियो को पूरा पूरा देखेंगे वो अपने घर पर भी मैगी मसाले को खुद से बना सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको मैगी मसाले को घर पर कैसे बना सकते हैं ये भी बताने वाले हैं। तो देरी किस बात की, चलिए सबसे पहले चलते हैं मैगी मसाले की फैक्ट्री में और देखते हैं यहाँ मैगी मैजिक मसाला कैसे बनता है। दोस्तों, मैगी भले ही विदेशी कंपनी हो, पर मैगी का मसाला केवल भारत के ही कुछ चुनिंदा जगहों के मसालों से बनाया जाता है। मैगी मसाले को बनाने में कुल 10 मसालों का यूज़ किया जाता है, जिसमें से कुछ प्रमुख मसालों को चुनिंदा जगहों से मंगाया जाता है, जिसके कारण मैगी मसाले का स्वाद और भी टेस्टी हो जाता है। मैगी मसाला को बनाने के लिए मिर्ची आंध्र प्रदेश से, जीरा राजस्थान से, हल्दी महाराष्ट्र से और धनिया कोटा राजस्थान से मंगाया जाता है। और बाकी मसाले जैसे इलायची, लौंग, काली मिर्च, तेजपत्ता, सौंफ और सुपारी को भी इंडिया से ही मंगाया जाता है। मैगी मसाला को बनाने के लिए सबसे पहले इन सभी मसालों में से सिर्फ बेस्ट क्वालिटी के मसालों का यूज़ किया जाता है। फिर इन मसालों को इकट्ठा करके एक मिक्सिंग मशीन में डालकर सभी मसालों को मिक्स कर लिया जाता है। मिक्स होने के बाद इन सभी को एक निर्धारित टेम्परेचर पर हीट के द्वारा सभी मसालों को अच्छी तरह रोस्ट किया जाता है, ताकि इनसे सारा कच्चापन दूर हो सके और मसालों का स्वाद उभर कर आ सके। अच्छी तरह से मसाले रोस्ट हो जाने के बाद इन्हें बड़े से मिक्सर मशीन में डालकर इनको ब्लेंड किया जाता है, जहां कुछ ही देर में ब्लेंडिंग के बाद ये सारे मसाले अच्छी तरह से पीसकर महीन हो जाते हैं। और अब आता है इस मसाले का सबसे ज़रूरी इंग्रेडिएंट्स, जो कि कंपनी के द्वारा सीक्रेट रखा जाता है, जो कि केवल मैगी के कंपनी में काम करने वाले वर्कर्स ही जानते हैं। इस सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स के बारे में किसी को जानकारी नहीं होती है। इस सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स को फिर उन पीसे मसालों में अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया जाता है। फिर इन सभी मसालों को मशीन के द्वारा छोटे छोटे पैकेट्स में पैकिंग की जाती है, और इन छोटे छोटे टेस्ट मेकर पैकेट्स को मैगी के पैकेट्स में डालकर पैक कर दिया जाता है। और इन सभी मैगी के कार्टून को पैक करके हमारे किचन में जाने के लिए वहाँ से भेज दिया जाता है। तो इस तरह तैयार होता है मैगी और मैगी का मसाला। और अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं कि मैगी फैक्ट्री में कैसे बनती है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और जो लोग अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं वो आज अपने घर पर भी मैगी मसाले को बना सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि कैसे आप इस टेस्टी मसाले को खुद से बना सकते हैं। दोस्तों, मैगी मसाले को घर पर बनाने के लिए आपको इन मसालों की ज़रूरत होगी। जीरा, धनिया, सौंफ, इलायची, दालचीनी, लौंग, मेथी, काली मिर्च, तेजपत्ता, लाल मिर्च, सौंठ पाउडर, हल्दी पाउडर, आमचूर पाउडर, नमक, चीनी, लहसुन पाउडर, प्याज पाउडर। अगर आप चाहें तो इनमें से कुछ मसालों को अवॉइड भी कर सकते हैं, यदि आपको पसंद ना हो तो। अब हम मसाले को बनाने की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले एक पैन में 1 चम्मच जीरा, 2 चम्मच धनिया, 1 चम्मच सौंफ, 2 छोटी इलायची, दालचीनी, 4 लौंग, 1/4 चम्मच मेथी, 1/2 चम्मच काली मिर्च, 2 तेज पत्ते और 2 लाल मिर्च। इन सभी खड़े मसालों को आपको धीमी आंच पर 3 से 4 मिनट तक रोस्ट करना है, ताकि इनसे सारी नमी खत्म हो सके और मसालों की खुशबू भी उभर कर आ जाए। मसाले अच्छी तरीके से रोस्ट हो जाने के बाद सभी खड़े मसालों को मिक्सी में डाल दें और उसमें हल्दी पाउडर, लहसुन पाउडर, सौंठ पाउडर, अमचूर पाउडर, स्वादानुसार नमक और हल्की सी चीनी डालकर इसे अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लें।
ग्राइंड हो जाने के बाद जब आप मिक्सी की ढक्कन खोलेंगे तब आपका मैगी मैजिक मसाला बनकर तैयार होगा। आप इसे किसी भी सब्जी में आधा चम्मच डालकर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बिल्कुल मैगी मसाले जैसा स्वाद ही देगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप भी मैगी मसाला बनाना सीख गए होंगे और आप ये भी जान गए होंगे कि फैक्ट्री में मैगी मसाला कैसे बनाया जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट में ये भी ज़रूर बताएं कि आपने मैगी को 2 मिनट में बनाया है या कितने मिनट में बनाया है। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल को नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। अब आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक आप मैगी मसाले को एक बार घर पर ज़रूर बनाएं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।